हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट हेल्प इंडिया। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यू फीचर के बारे में। तो गाइज, आपको पता ही होगा व्हाट्सएप में लॉक लगाने के लिए हम लोग कितने सारे एप्लीकेशन को ट्राई करते थे, पैटर्न लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक गाइज, लेकिन वो सब वर्क करता था, लेकिन उतना परफेक्टली वर्क नहीं करता था जितना कि अब वर्क करने वाला है। गाइज, व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट लाया है जिसमें आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करने के बाद आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं और आप थर्ड पार्टी पर्सन से अपने व्हाट्सएप को सिक्योर रख सकते हैं। गाइज, इससे पहले क्या होता था, जब व्हाट्सएप ने ये फीचर नहीं लाया था फिंगरप्रिंट लॉक का, तो गाइज इससे पहले क्या होता था, कोई दूसरा व्यक्ति जो है हमारा मोबाइल ले लेता था और हमारे व्हाट्सएप में किस चीज़ का मैसेज आए हैं, हम किन से बात करते हैं, हम कितनी देर तक किससे बात की हैं, वो सब कुछ वो दूसरा बंदा सारा मैसेजेस रीड कर लेता था। लेकिन गाइज, अब ऐसा नहीं होगा। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लाया है जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप को सिक्योर रख सकते हैं और आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रख सकते हैं। तो गाइज, व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लाया है जहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं, अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक अवेलेबल है तो। तो गाइज, आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, सबसे पहले आपको अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेने के बाद आपको एक सेकंड, हम अपना नेट ऑन कर लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है व्हाट्सएप। अरे मैंने क्या सर्च कर दिया, रॉन्ग स्पेलिंग था, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद गाइज कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम व्हाट्सएप का बीटा प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, तो मेरे पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। और आप लोग देख सकते हैं लास्ट अपडेट 4 नवंबर, तो आज का जो डेट है वो है 5 नवंबर। तो गाइज, आपने यहाँ पर देखा होगा, और तो गाइज यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप अपडेट हो चुका है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, तो आपको एक काम करना है, आपको इस 3 डॉट में क्लिक करना है। इस 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में क्लिक करना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट्स में क्लिक करना है। अकाउंट्स में क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी में क्लिक करना है। प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल्ड, तो गाइज आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको इसे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको अपना फिंगर यहाँ पर टच करना है, जहाँ भी आपका फिंगर सेंसर है आप वहाँ पर अपना फिंगर यहाँ पर टच कीजिए और आपका फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पर सक्सेसफुली लग जाएगा। एक सेकेंड, मेरा यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं किया, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना फिंगर यहाँ पर टच करना है, जहाँ भी आपके मोबाइल का फिंगर सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, आप उस सेंसर में अपना फिंगर टच कीजिए, उसके बाद आपका लॉक यहाँ पर लग जाएगा। लॉक लगने के बाद आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिकली लॉक इमिडिएटली आफ्टर 1 मिनट और आफ्टर 30 मिनट। तो गाइज, आप कितने देर के लिए लगाना चाहते हैं गाइज, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इमिडिएटली लगा दो। इससे क्या होगा, जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो फिर से आपसे लॉक पूछेगा, तो आपका मोबाइल है तो आप अपना फिंगर टच करेंगे तो आपका लॉक अनलॉक हो जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा पर्सन आपका मोबाइल लेते हैं और वो जस्ट यहाँ पर ओपन करेगा तो आपका व्हाट्सएप उनसे ओपन ही नहीं होगा। अगर आप अपना फिंगर यहाँ पर टच करेंगे तो आपका व्हाट्सएप यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो गाइज, ये अच्छे से वर्क करता है और आशा करते हैं कि आपको ये फीचर बहुत ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने व्हाट्सएप में ज़रूर से फिंगरप्रिंट लॉक लगा लीजिएगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।